इस बात को हम इंसान चाहकर भी नहीं झुठला सकते कि हम इंसान इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले मौजूद नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे जीव यानी कि बीइंग्स हमारे चारों ओर मौजूद हैं जिनके होने को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। और आज का साइंस भी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो उनके होने को हमें पूरी तरह से समझा सके। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड्स में देखा, कुछ ऐसी निशानियाँ यानी कि साइंस के बारे में जिनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी यानी कि सुपर पावर ज़रूर है। और हमने तीसरे पार्ट में तो ये भी जाना था कि आप उन साइकिक एबिलिटीज़ को बाहर कैसे निकाल सकते हो। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भले ही हम खुद से ऊपर ऊपर से ये कह लेते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, आज का साइंस इन्हें नहीं मानता, इसलिए मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप मुझसे झूठ मत बोलना। कहीं ना कहीं हम सबको अंदर से ये बात पता होती है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं, और ऑलमोस्ट आज के समय में हमें सभी धार्मिक किताबों में इनके होने का सबूत मिल ही जाता है। अभी की स्टडीज़ में हमें ये पता चलता है कि हम इंसान लाइट के सिर्फ और सिर्फ काफ़ी छोटे से स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं, लेकिन हम इंसान सिर्फ इतने से ही स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि असल में जो चीज़ें हमारे चारों ओर मौजूद हैं हम उन्हें तो देख ही नहीं पाते हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम इंसान सिर्फ अकेले हैं या फिर भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ें नहीं होती? तो आइए अब हम कुछ ऐसी भूतिया साइकिक निशानियों के बारे में जानते हैं जिनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी यानी कि अलौकिक शक्तियाँ ज़रूर छुपी है। साइन नंबर 1, आपने काले साए को देखा है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काले से साए या फिर आत्मा जैसी चीज़ को देखा हो और जब आप उसके पास गए तब वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई या फिर वहाँ से गुजर गई? एक बार मैंने भी अपने सामने से एक काली सी साए जैसी चीज़ को अपने सामने से पास होते हुए देखा था। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें कोई भ्रम या फिर इल्यूज़न हुआ होगा या फिर वो किसी की परछाई होगी। तो मेरे दोस्त, जब उस समय मेरे अलावा उस कमरे में कोई और था ही नहीं तो वो किसकी परछाई होगी? इन सब चीज़ों को हम शैडो पीपल्स बोलते हैं, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने इन शैडो पीपल्स को अलग अलग रूप में देखा है। लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें लंबे से 7 फुट के इंसान की परछाई जैसी चीज़ दिखती है और वो अचानक से गायब भी हो जाती है। तो अगर आपने भी कभी किसी काली सी परछाई या फिर काले साए जैसी चीज़ को देखा है तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। अगर हम अलग अलग धर्मों की माने तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इन शैडो पीपल्स को डीमंस यानी कि राक्षस कहा जाता है, और मुस्लिम्स लोग इन्हें जिन बोलते हैं जिनकी रचना हम इंसानों से पहले की गई थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो शैडो पीपल्स होते हैं ये उन लोगों की आत्मा होती है जो कि एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये भविष्य से आए हुए टाइम ट्रैवलर्स होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो होते हैं वो इंटर डायमेंशनल बींग्स होते हैं जो कि हायर डायमेंशंस यानी कि आयामों में एग्जिस्ट करते हैं। सभी के सभी डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो साइकिक लोग होते हैं उनके सेंस करने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो इन जीव को सेंस कर सकते हैं, और जब वो उनके आसपास होते हैं तब उन्हें महसूस कर सकते हैं, और कई बार तो उन्हें देख भी पाते हैं, या फिर हम इन जीव को एलियंस भी बोल सकते हैं। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इन्हें क्या मानते हो, और ये भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना हुई है। साइन नंबर 2, आपको डरावनी और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि डरावनी और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना तो पागलपन की निशानियाँ हैं। तो मेरे दोस्त, साइकिक लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम इंसान सिर्फ और सिर्फ 0 से 130 डेसिबल्स तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन आज आप ये जान लो कि 0 डेसिबल्स से भी नीचे की आवाज़ें होती हैं जिन्हें साइकिक लोग सुन पाते हैं। हम सभी लोग थर्ड डायमेंशन यानी कि तीसरे आयाम में रहते हैं, और अभी तक से हम सिर्फ ये पता लगा पाए हैं कि डायमेंशन 11 या फिर सिर्फ और सिर्फ 10 ही होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक समय यानी कि टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले जीव जो होंगे वो टाइम ट्रैवल कर सकते होंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी तरीके से हम इंसान फोर्थ डायमेंशन के साथ जुड़ पाएँ या फिर उसमें जा पाएँ तो हम भी बिना किसी भी टाइम मशीन के टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा कर पाएंगे। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपका क्या मानना है कि और कितने डायमेंशंस होते होंगे
मेरा पर्सनली ये मानना है कि डायमेंशंस जो हैं वो अनंत हो सकते हैं। साइकिक लोग जो हैं वो अलग अलग डायमेंशंस से आई हुई आवाज़ों को सुन सकते हैं, तो अगर आप में भी ये साइन है तो आप भी एक साइकिक हो। साइन नंबर 3, आपको अचानक से कोई खुशबू आई हो। अभी के रिसर्चर्स के मुताबिक हम इंसानों का नाक जो है वो 1 ट्रिलियन यानी कि 1,00,000,00,000 तरह की खुशबू यानी कि स्मेल्स को सूंघ सकता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हुए हो या फिर अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हो और अचानक से आपको कोई खुशबू यानी कि अजीबोगरीब सी महक आने लगती हो, मतलब कि वहाँ पर ना ही कोई अगरबत्ती जल रही हो और ना ही कोई परफ्यूम वगैरह की स्मेल हो लेकिन उन्हीं के टाइप की स्मेल आ रही हो, तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। अलग डायमेंशन में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी खुद की स्मेल यानी कि खुशबू होती है, और जब ये जीव किसी साइकिक के करीब होते हैं तब एक साइकिक उनकी खुशबू को उनके होने की वजह से पहचान लेता है। साइन नंबर 4, आपको निगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हो या फिर आप किसी खास रास्ते से जब डेली गुजरते हो तब आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और आपको अंदर से अजीब अजीब लगने लगता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में ये बताया है कि हर एक चीज़ एनर्जी यानी कि ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है, और हर एक चीज़ अगर आप उनके एटम से भी छोटे स्तर पर जाते हो तब वो एक वेव यानी कि ऊर्जा के फॉर्म में होती हैं, और वेव्स जो है वो आपस में इंटेंगल्ड यानी कि बिल्कुल एक धागे की तरह आपस में उलझ जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी जगह पर अतीत में कोई घटना घटती है, जैसे कि किसी इंसान का खून कर दिया जाता है या फिर कोई इंसान किसी हॉस्टल के कमरे में लटक कर आत्महत्या कर लेता है, तो उन जगहों पर जो निगेटिव एनर्जीज़ का फील्ड होता है वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए मौजूद होता है। और जब आप उन जगहों पर जाओगे तब आपको खुद ब खुद अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको वहाँ से निकलने का सिग्नल्स आपके सिक्स सेंस यानी कि गट फीलिंग्स के द्वारा भेजता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो आप पर भी अपना प्रभाव डाल सकती है अगर आप ज़्यादा देर तक उनके फील्ड में मौजूद रहोगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। साइन नंबर 5, आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको किसी ने छुआ हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंसान थर्ड डायमेंशन यानी कि तीसरे आयाम में रहते हैं, लेकिन जो जीव हमसे ऊपर वाले डायमेंशन में रहते हैं वो हमें देख सकते हैं और हमें सुन भी सकते हैं, और अगर वो चाहें तो हमें छू भी सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर डायरेक्टली बिना किसी भी साइकिक एबिलिटी के उन्हें देख नहीं सकते हैं और ना ही उन्हें सुन सकते हैं, और छूना तो दूर की बात है। हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसा आपके साथ आम तौर पर नॉर्मली भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपको छुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है तो ये भी साइकिक एबिलिटी यानी कि सुपर पावर होने की निशानियों में से ही एक है, क्योंकि हम हायर डायमेंशंस के जीवों को छू नहीं सकते लेकिन वो तो हमें छू सकते हैं ना। तो अगर ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा डरावनी हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, और अगर अभी तक से आपने इस वीडियो का पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड नहीं देखा तो उन सभी एपिसोड्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप में इन 5ों में से कौन कौन सी साइकिक निशानियाँ मौजूद हैं, और आपने कौन कौन सी भूतिया घटनाओं को अनुभव किया है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।